गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको नंबर सिस्टम कराने जा रहा हूँ और नंबर सिस्टम के वो क्वेश्चन आपको आज करा के दूंगा जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी, रेलवे या अदर एग्जाम जो होते हैं कॉम्पिटिटिव, उनमें जो मैथ के इंपॉर्टेंट जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेहतरीन ट्रिक से आप आज को बताने जा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट से आप करोगे तो आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और मैं चाहता हूँ कि आप इनको ध्यान से समझें। इस प्रकार के क्वेश्चन सेम ही आते हैं, इसलिए मैं आज आपको एक दो टाइप के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम से और बार 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 पूछे जाते हैं। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74। देखिए इस प्रकार का कभी हम अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं किए हुए हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन कभी आ जाता है तो हमारे माइंड में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन का मतलब होता है हम सोचते हैं यार ये कैसे होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन तो कभी शायद मैंने पहले नहीं किया है तो मैं अब इसको सॉल्व कैसे करूँगा। तो देखिए ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। आपको पता है एक एक पावर का डिफरेंस है, केवल एक एक का, 2 की पावर 71 या 2, 3 या 4, एक एक पावर का अंतर। तो मैं क्या करूँ, 2 की पावर 71 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आप देखिए जब 2 की पावर 17 जब मैं कॉमन ले लूँगा तो 2 की पावर 0 बचा है यहाँ पे, बचा ना, क्योंकि 2 की पावर 0 बची, 2 की पावर 17 ले लिया, प्लस 2 की पावर यहाँ कितना बचा, 71 ले लिया तो 1, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा 3, 2 की पावर 3। देखिए अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ बता दूँ, हमेशा आपने क्वेश्चन देखा होगा, कई बार समझा भी होगा कि हमेशा क्या होता है कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो या 2 की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ऐसा क्यों? उसका रीज़न देखिए ऐसा होता है कि हम कभी किसी क्वेश्चन को करते हैं तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है कि उसी वैल्यू का उसी में भाग देना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसका मतलब क्या होता है कि मैं कह रहा हूँ कि 6 की पावर 0 है तो इसका मतलब है 6 का 6 में डिवाइड देना, मतलब 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए 2 की पावर 71 है यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए 2 की पावर 71 तो थी, 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1, मैंने अभी आपको बताया। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी को ऐड करूँगा। तो देखिए 2 की पावर 71 ऐड करूँगा तो 2 और 1 3, 3 और 4 7 और ये 15, 2 की पावर 15 हो गए। अब आपको पता है कि ऐसी कोई वैल्यू है जो 15 में डिवाइडेबल हो, नहीं है। अब आपको मैं बता दूं 2 की पावर 71 तो यहाँ था ही, लेकिन 15 से कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड, 15 ऐसा कोई नंबर है जो 15 को डिवाइडेबल हो, तो देखिए 9 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 13 का नहीं है, ऑप्शन से ही होगा इस प्रकार का क्वेश्चन। देखिए आपको क्या करना है, 2 की पावर 1 और निकाल लेनी बाहर से, मतलब 2 की पावर 70 और 2 की पावर 1 अगर हम करेंगे तो 2 की पावर 71 हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, तो 2 बाहर निकाल लिया हमने इसमें से 1 और 15 में उसका कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 17 इंटू कितना हो जाएगा 30। तो अब आप देखिए कोई ऐसी वैल्यू है जिसका डिवाइड इसमें जा रहा हो, 10 का जा रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, 10 हो गया। आप कन्फ्यूज मत होइए, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं 2 की पावर 70 मतलब 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 70 तक लिख दूँ उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपको इसको क्लियरली समझा देता हूँ कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, कि ज़्यादातर क्या होता है हम ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न देख लीजिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है मैं कह रहा हूँ आपको 24 है, ठीक है, और मुझे 3 से डिवाइड करना है, या फिर मैं लिख दूँ 8 × 3 और 3 से डिवाइड करना, तो आपको पता है 3 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, ठीक है, चला गया ना, क्लियरली चला गया। तो ये जो वाली मल्टीपल वाली वैल्यू वो तो शेष बचेगी ही बचेगी, तो ये तो शेष बचेगा ही बचेगा, इसमें से 3 भी बचेगा 10 का जब डिवाइड जाएगा। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर एक और कराऊंगा, उसके बाद एक नेक्स्ट जो टाइप का जो क्वेश्चन है अलग टाइप का वो भी मैं आज आपको यहाँ कराने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और समझते हैं हम अब, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, उसी पैटर्न का है। आप देखिए अब क्या है कि 3 की पावर 25, 26, 27, 28 एक एक बढ़ रही है, तो मैं क्या करूँगा 3 की पावर यहाँ से 25 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ 3 की पावर 0, ठीक है, प्लस यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 2, यहाँ 3 की पावर 3, ये हो गया। मैंने आपको अभी समझाया था वही पैटर्न है। अब आपको क्या करना है कि आपको पता है 3 की पावर 25 तो है ही हमारे पास, लेकिन ध्यान से 3 की पावर 0 की वैल्यू 1, आपको पता है किसी की पावर जितनी 0 होगी किसी वैल्यू को, चाहे वो 100 क्यों ना हो, उसकी पावर अगर 0 तो उसका मान क्या होगा, 1, प्लस इसका देखिए 3 की पावर 3 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 मतलब 9 और 3 की पावर 3 मतलब 27।
आप जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना जल्दी, तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा हो आंसर, थोड़ा टाइम लगा रहा हो, तो टाइम समझाने में लगता ही लगता है दोस्तों। तो देखिए 3 की पावर 25 है ये हमारे पास, ठीक है। अब क्या है, आप देखिए 27 और एक 20, ये 10 हो गया आपका यहाँ तक, 10 और ये और 30 हो गया, तो आपका टोटल हो जाएगा 40। अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको मैंने जिस प्रकार से वो बताया था, आप ध्यान से देखिए किसी से डिवाइड हो रहा है 40, नहीं हो रहा। आपको क्या करना है, इसमें से एक 3 और निकाल लीजिए, मतलब 3। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी, 3 आप बार, तो 3 की पावर 24, यहाँ आ जाएगा 3 × 40, तो ये हो जाएगा आपका 120। अब आपको केवल 120 देखना है किससे डिवाइडेबल है, तो आप देखिए किसका डिवाइड जा रहा है 120 में, 30 का। तो इस प्रकार का अगर आप आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप छोड़िएगा नहीं, जरूर सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन है बहुत ही अच्छा और कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन हम समझेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप घबराइएगा नहीं। 2 की पावर 16 - 1। अब क्या है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। आपको देखिए मैं दो प्रकार से इसको बताऊंगा, एक बहुत ही सिंपल पैटर्न बताने जा रहा हूँ इसका, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है इस क्वेश्चन को करना किस प्रकार से, तो देखिए मैं आपसे कह दूं कि 2 की पावर 16 दिया हुआ है, ठीक है। आप जानते हो 2 की पावर 16 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 8 की पावर 2, 16 ही हो जाएगा भाई, पावर पे पावर लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि 1 की पावर भी हम कितना लिख सकते हैं, 2, क्योंकि 1 पे तो कितनी पावर लगाई है उतना ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अब आप इसको खोलेंगे तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 2 की पावर 8 + 1 और 2 की पावर 8 - 1। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a² - b² का फॉर्मूला होता है एक, उसका मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में इस फॉर्मूले का मतलब होता है, तो आप देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में मैंने यहाँ रख दिया है। अब यहाँ रख दिया, आपको पता है 2 की पावर 18 काउंट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम लग जाएगी 2 की पावर 8 काउंट करने में। तो मैं क्या करूँगा, एक बार और इस वाले पैटर्न को, देखिए प्लस वाला तो नहीं होगा, इस वाले पैटर्न को और यहाँ चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं अगर और चेंज करूँगा तो देखिए 2 की पावर 4 - 1 - 2। अब फिर फॉर्मूला बन गया, तो मैं क्या करूँगा, अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर देखिए यहाँ खोलता हूँ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो 2 की पावर 4 + 1 और 2 की पावर 4 - 1, और मल्टीप्लाई में ये है ये आपका, ठीक है, 2 की पावर 8 + 1, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से कि इस प्रकार के क्वेश्चन, देखिए 2 की पावर 8 काउंट करने में टाइम नहीं लगेगा, कितना हो जाएगा 16 + 1, ठीक है, 2 की पावर 4 मतलब 16 - 1, और इसको काउंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको पूरा लिख के इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके क्लियर हो जाए, आप एग्जाम में जब इसको करेंगे तो ज़्यादा डीपली इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं अभी छोटा पैटर्न भी बता दूंगा इसका, तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 17, यहाँ आ जाएगा आपका 15 और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 8 + 1। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखेंगे, आपको पता है किसका डिवाइड जा रहा है, केवल 17 का, 17 में। अगर यहाँ 17 ऑप्शन ना आए या 15 आ जाए तो 15 भी इसका सही आंसर होगा, आप कंफ्यूज कभी ना हो इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 17 हो जाएगा, क्योंकि 70 डिवाइड हो रहा है 17 से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इस प्रकार की जो लैंग्वेज मैंने आपको कराई है, इतना लिखाया है क्वेश्चन में, इतना कराया है मतलब ना लेंथी, तो आप इसको छोटा कैसे कर सकते हैं, तो देखिए माइंड में अगर आप कैलकुलेट करते हो तो क्लियरली हो जाएगा, लेकिन 15 आपको फिर भी ऑप्शन में ध्यान रखना है, क्योंकि 15 भी इसका आंसर हो सकता था। कैसे, आपको क्या करना है, 2 की पावर 16 देखना है केवल, तो आप 2 की पावर 1 लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 + 1 लीजिए एक बार और 8 - 1 लीजिए, आपको पता है ये 9 और ये कितना, 8, तो आपका 8 और 9 भी ऑप्शन हो सकता था। आप कंफ्यूज ना हो इस प्रकार के क्वेश्चन में, ऑप्शन कुछ भी दे सकता है। आपको पता है एक पावर और बढ़ा देंगे, 2 की पावर 4 कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 16। अब 16 में आपको क्या करना है, 1 + करना है इसकी वजह से और 1 - करना है, ये हो जाएगा 17 और 1 करना है माइनस, ये हो जाएगा 15। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन दोनों में से है।
ऐसा नहीं कि दोनों ही ऑप्शन आ जाएं, ऑप्शन आपका केवल एक ही आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि दो आंसर एक क्वेश्चन के नहीं दे सकता, ठीक है। तो मैंने आज आपको जो क्वेश्चन कराए हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाया आप लोगों के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो अब ध्यान से इन क्वेश्चन को करिएगा। लेकिन आपसे एक बात कह दूँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अदर आपको अगर चैप्टर शॉर्ट ट्रिक से बेस्ट पैटर्न से पढ़ने हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दी है, तो आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद।